दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र जारी है। आज यानी कि 9 मार्च को अरविंद केजरीवाल के संबोधन के कारण दिल्ली विधानसभा बजट सत्र चर्चा का विषय बना रहा। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संबोधन चर्चा का विषय बना, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का हंगामा भी जारी रहा। बता दें कि 15 फरवरी से जारी दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 मार्च को समाप्त हो सकता है। केजरीवाल ने सदन संबोधित करने से पहले मनीष सिसोदिया को याद किया। 2014 में बजट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो हमें अपने छोटे भाई मनीष सिसोदिया जी की याद आ रही है। आज ये 10वां बजट है हमारी सरकार का। इसके पहले के 9 बजट मनीष सिसोदिया जी ने इस असेंबली में पेश किए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल का बजट भी मनीष सिसोदिया जी ही इस असेंबली में पेश करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि विपक्ष कोई रहे ही ना, चाहे ईडी चाहे सीबीआई, सबको लगाकर वो विपक्ष को समाप्त करना चाहती है। बीजेपी को भारी बहुमत मिला और 280 सीट आई। उन्होंने एक दूसरा गवर्नेंस का मॉडल रखा जो है विनाश का मॉडल। उस विनाश के मॉडल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है सामने सारी पार्टियों को कुचल दो, खत्म कर दो, खरीद लो, तोड़ दो, गिरफ्तार कर लो, जेल भेज दो, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, सामने कोई बचेगा ही नहीं तो चुनाव किसके बीच में होंगे, फिर तो यही है। ये दूसरा मॉडल है जिसके अंदर आप विपक्ष को एक एक करके खत्म करते जाते हो, सरकारें गिरा देते हो, एमएलए तोड़ लेते हो, गिरफ्तार कर लेते हो, धमकी देते हो। इसके अलावा केजरीवाल ने बीजेपी पर मोहल्ला क्लिनिक जैसे कई निर्माण कार्यों में रुकावट का आरोप भी लगाया है। और इनके विनाश मॉडल का दूसरा हिस्सा है कि पूरे देश में कहीं कोई विपक्ष की सरकार अच्छा काम कर रही हो उनके कामों को रोको, खुद अच्छा काम नहीं करो, उनको अच्छा काम करने से रोको। अगर कोई देश हित में इस देश में दूसरी सरकार कोई काम कर रही है तो उसको अच्छा काम करने से रोको। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, तुम जितने समन भेजोगे मैं उतने स्कूल बनवाऊंगा। आज मैं इस सदन के अंदर घोषणा करना चाहता हूं कि 8 समन आए हैं, 8 नए स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए जाएंगे। बता दें कि इस सत्र में सीवरेज ओवरफ्लो और पानी की सप्लाई को लेकर दिल्ली विधानसभा में संकल्प पास हो गया। इसके साथ ये भी बता दें कि इस सत्र में निलंबन वापस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 विधायक पहुंच गए, हालांकि बाद में वे वॉकआउट कर बाहर निकल गए। इन 7 विधायकों को 17 फरवरी को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामे के कारण निलंबित कर दिया था।